अरे काजल, तुम यहाँ अकेली जंगल में बकरियाँ चरा रही हो, कहीं कोई शेर आ गया तो तुम्हारी बकरियों के साथ साथ तुम्हारा भी काम तमाम कर देगा। भाई थोड़ा डर के बकरी उकरी चराया करो। क्या मोदी जी, तुम क्यों काजल को डरा रहे हो? ऐसे कहाँ से जंगल में शेर आ जाएगा जो काजल का काम तमाम कर जाएगा? अरे हम भी तो यहाँ बैठे हुए, देखते हैं कौन सा शेर आता है, हम उसको चीड़ फाड़ नहीं देंगे। राहुल, बात तो तुम सही कह रहे हो, तुम्हारे रहते शेर कहाँ से इनका काम तमाम कर देगा जब तुम ही काम तमाम करने के लिए बैठे हुए हो इनके पास। मोदी जी थोड़ा सोच समझ के बोला करो यार, जहाँ देखो तुम वहीं अपनी नौटंकी शुरू कर देते हो। अरे हम इनकी बकरियों को देखने आए हैं, इनको फंसाने आए हैं, थोड़ा समझ के बोला करो। तुम लोगों की बकचोदी अगर जो खत्म हो गई हो तो ये मुझे क्लियर करके बताओ, किस लिए आए हो मेरे पास और यहाँ कैसे बैठे हो? अगर जो तुम्हें कुछ चाहिए तो वो साफ साफ बताओ, नहीं तो यहाँ से जल्दी से फूट लो। अरे काजल, हम तो कोई चीज लेने ही आए हुए हैं तुम्हारे पास, लेकिन डर लग रहा है कहीं तुम देने से मना कर दो। अगर जो दो तो मैं बोलूं कि हमें क्या चीज चाहिए। राहुल तुम ज्यादा बदतमीजी करोगे ना तो इसी डंडे से मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। और थोड़ा पीछे होके बैठे, कहाँ सटे हुए चले आ रहे हो मेरे पास? और ये बताओ क्या चीज चाहिए तुम्हें, खुल के बताओ, ऐसे पहेलियां मत बुझाओ। अरे काजल, तुम तो हमारी बात का बुरा मान गई भाई, हम तो ये कह रहे थे क्या तुम अपनी बकरियां बेचोगी? अगर जो बेचती हो तो दो चार बकरी हमें बेच दो, हम खरीद लेते हैं, फिर तुम्हारे साथ ही जंगल में बकरियां हम भी साथ तुम्हारे साथ साथ चराया करेंगे। काजल, अगर जो तुम राहुल को अपनी बकरियां बेच रही हो तो भाई दो बकरी हमें भी दे दो, हम भी खरीद लेंगे, फिर हम भी तुम्हारे साथ यहाँ जंगल में बकरी चराया करेंगे। अगर जो बेचती हो तो ठीक ठाक रेट लगा के दे दो, दो बकरी हमको भी। तुम दोनों मेरी बात कान खोल के सुन लो, तो मेरी एक भी बकरी बिकने वाली नहीं है, ना मैं अपनी एक भी बकरी बेचूंगी। और वो तुम जैसे इंसानों को बेच दूं जिसकी नीयत में हरकत खोट रहती है। और मोदी जी थोड़ा पीछे हटके बैठो, क्यों ऊपर छाती पे चढ़े आ रहे हो तुम? क्या मोदी जी, थोड़ा पीछे होके बैठो यार, क्यों उनके ऊपर चढ़े जा रहे हो? वैसे काजल, अगर जो तुम बकरियां नहीं बेच रही हो तो ये घोड़े बेच दो, घोड़े ही मैं खरीद लूंगा तुम्हारे। राहुल मेरी बात सुनो, ये घोड़े भी नहीं बिकेंगे क्योंकि मैं घोड़े पे सवारी करती हूँ, इसलिए मैं अपने घोड़े बिल्कुल भी नहीं बेचूंगी। अब तुम लोग यहाँ से फटाफट निकलो। अरे भैया राहुल, हमको लगता है यहाँ पे अपनी दाल गलने वाली नहीं है, चलो कहीं और अपनी दाल गलाते हैं। और दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।